नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और जैसा कि भाई आप पुष्कर मेले की वीडियो देख ही रहे हो, तो भाई पुष्कर मेले में नवर भाई भी अमृतसर से अपने दो नामी घोड़े लेकर के भाई पुष्कर मंडी के अंदर पहली बार पहुंचे हैं। क्यों नवर भाई, पहली बार ही आए हो? हाँ जी, हाँ जी प्रदीप भाई। तो नवर भाई कैसा लग रहा है पुष्कर मंडी में आके? बहुत बढ़िया प्रदीप भाई, बहुत अच्छा इंटरनेशनल मेला है। तो अपन का तो शुरू से ही ड्रीम था, जब से घोड़े रखे अभी पुष्कर मंडी लगाएंगे, तो पहली मंडी है, पहली बार ही निकाले घर से। जब पहली बार ही निकाले? हाँ जी, हाँ जी पहली बार ही निकाले। यानी कि आज तक आप किसी मंडी में नहीं गए है ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो नवर भाई, घोड़ों ने आने में दिक्कत तो नहीं दी? दिक्कत तो प्रदीप भाई होती है थोड़ी बहुत, लेकिन यूज टू हो जाएंगे अब, ठीक है, इतनी नहीं हुई। बाकी द्रोणा वाला घोड़ा नहीं लाए? वो उसने थोड़ी की प्रदीप भाई, वो क्या थोड़ा हैवी घोड़ा है, उसने मतलब 5-7 घंटे उस पर करते रहे, लेकिन वो चढ़ा नहीं। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, फिर किसी घोड़े को नुकसान पहुंचे ऐसा भी क्यों काम करना है यार, है ना। बाकी अगर बात करें नवर भाई, आपके जस्ट पीछे घोड़ा खड़ा हुआ है, क्या नाम है इसका? इसका प्रदीप भाई फरियाद नाम है। फरियाद? हाँ जी, हाँ जी। और कौन है बाप इसका? इसका प्रदीप भाई जहांगीर घोड़ा है। जहांगीर घोड़ा, हाँ जी। और अगर इसकी उम्र की बात करें तो उम्र में कितना है ये? उम्र प्रदीप भाई ये 4.5 साल का हो गया। 4.5 साल का, हाँ जी। और हाइट कितनी होगी इसकी? इसकी प्रदीप भाई 65+ है। 65+। और अगर इसकी कवरिंग फीस की बात करें तो कवरिंग फीस कितनी है इसकी प्रदीप भाई? 75,000 है। 75, हाँ जी। बाकी अगर नवर भाई बात करें, घर की होम ब्रीड है? हाँ जी, हाँ जी होम ब्रीड है सारी प्रदीप। तो नवर भाई आपने जैसे इतने घोड़े बनाए, 3-4 स्टैलियन बना दिए और बेचा 5 साल में, मेरा लगता है कुछ नहीं है। तो यानी कि स्टैलियन बनाने का कुछ फॉर्मूला तो बताओ लोगों को, कैसे बनाते हैं स्टैलियन? स्टैलियन प्रदीप भाई मेहनत करनी पड़ती है, ब्रीड भी होनी चाहिए, पहले ब्रीड है अच्छी, माँ हो, अच्छा बच्चा है, फिर उस पर मेहनत करो तो बन जाते हैं। तो इसकी माँ किस लाइन की है? इसकी माँ प्रदीप भाई प्रभात की बच्ची थी। प्रभात की बच्ची, हाँ जी। और वो किसके पास में? नहीं, वो गैरी भाई से मैंने पहली घोड़ी इसकी मदरी ली थी फरियाद की। अच्छा, हाँ जी। तब जहांगीर भी उनके पास ही था। ओके, हाँ वो अपने पास ही घोड़ी थी। तो गब्बन आई थी वो घोड़ी? नहीं नहीं, मतलब बाद में जाके प्रेग्नेंट करवा के लाया। बाद में प्रेग्नेंट करवाई? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। भाई कितनी घोड़ियाँ कवर करा दी अभी नवर भाई से? फरियाद से? हाँ फरियाद से प्रदीप भाई अभी हुई हैं 7-8 घोड़ियाँ। 7-8 घोड़ियाँ, हाँ जी। बाकी रिजल्ट कब तक आएंगे? हाँ जी, रिजल्ट आने में कितना टाइम लग जाएगा? नहीं, रिजल्ट तो आ गए, इसके 3 बच्चे हैं अपने पास खड़े। अच्छा, 3 बच्चे खड़े? हाँ जी। कैसे कैसे रिजल्ट आ रहे, क्या क्या मार्किंग आ रही है उनकी? पूरी अपनी कॉपी दी है, कॉल्ट है, माथे पट्टा है, फिल्ली है उसके माथे, मतलब तिलक है बड़ा, मतलब सेम इसकी डिटो, गर्दन गुर्दन जो भी है, मजबूती, साइज बहुत बड़ा दे रहा है बच्चों का। यानी बच्चों का साइज बहुत अच्छा दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। बाकी अगर बात करें इस घोड़े की, तो इसका क्या नाम है? इसका नाम प्रदीप भाई है रणविजय। रणविजय, हाँ जी बिल्कुल, सामने कर। और अगर इसके बाप की बात करें? इसका बाप है प्रदीप भाई बाहुबली घोड़ा। बाहुबली घोड़ा, हाँ जी। और उम्र में कितना होगा ये? उम्र में प्रदीप भाई ये हो गया 3.5 साल का। 3.5 साल का, हाँ जी। और हाइट में बात करें? हाइट प्रदीप भाई 64 है इसकी। 64 है, हाँ जी। बाकी मार्किंग पंचकल्याण है? पंचकल्याण है जी बिल्कुल, हाँ जी। बाकी ये थोड़ा सा सीधा है स्वभाव में मेरे को लगे है। नहीं सीधा तो नहीं है, अभी बच्चा है थोड़ा। हाँ। अब धीरे धीरे हो जाएगा, अभी थोड़ा मंडी के लिए स्ट्रेस में भी आ गया ना 2 दिन बेचारा। बाकी मेरे लगे थकान मिटाने में भी लग जाए 2-3 दिन तो। हाँ जी, हाँ जी आराम से लग जाते हैं 2-3 दिन। बाकी सेटअप करने के बाद में मेरे लगता है कि थकान भी बहुत हो गई होगी, है ना नवर भाई? हाँ जी प्रदीप भाई, थकान तो हो ही जाती है जब 20-22 घंटे इतना सफर करना। बाकी गाड़ी में नवर भाई घोड़ों को फिर रास्ते में उतारा के डायरेक्ट इधर ही लाके उतारा? नहीं नहीं सीधा इधर ही प्रदीप भाई, सीधा इधर ही। हाँ जी, हाँ जी। बाकी इसकी क्या कवरिंग फीस रख रखी है नवर भाई? इसकी भी 75,000 है। 75, हाँ जी। इससे कितनी घोड़ियाँ कवर करा दी है? इससे तो अभी छोड़ा प्रदीप भाई अभी। अच्छा अभी छोड़ा? हाँ जी अभी छोड़ा, 3 मंथ पहले अपनी घोड़ी पे ही छोड़ा पहले। बिल्कुल, हाँ जी। वाह नवर भाई, बाकी लाना भाई इस घोड़े को इधर भी। तो पीठ ना कर। बाकी 3-4 घोड़े बनाना बहुत मुश्किल काम है, लोगों से एक घोड़ा नहीं बनता आज के दौर में। वाह नवर भाई इधर आ जाओ आप। हाँ जी, सड़क पे ले जा छोटू, तेनू भी फड़ने। इसका भी मुंह इधर कर लो भाई, इसका भी मुंह इधर कर लो। चला ना भाई एक बार इसको।
बाकी अभी नंबर भाई दोनों की कवरिंग चालू है ना घोड़ों की? हाँ जी, हाँ जी प्रदीप भाई, दोनों की चालू है। और जो घर पे अपना उसकी भी? उसकी भी उसकी क्या फीस रख रखी है अभी? उसकी तो प्रदीप भाई 1.25 लाख है। 1.25 लाख रुपए? हाँ जी। उसकी भी रिजल्ट आ गए ना सर? उसकी प्रदीप भाई अभी एक बच्ची आई है। किसके पास में? वो अपने पास ही है उधर। वो एक बच्ची आई माथे बलेस की, बहुत सुंदर बच्ची। कैसा रिजल्ट आया उसका? बहुत बढ़िया प्रदीप भाई। चलो बाकी नंबर भाई क्या है अपना कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टैक्ट नंबर है प्रदीप भाई 9855-99014। भाई नंबर भाई अपने फार्म पे सेल के लिए बच्चे वगैरह है कि नहीं है? हाँ कोई चक्कर नहीं प्रदीप भाई, बच्चे वगैरह मिलेंगे अच्छा प्राइस तो दे देंगे। चलो ओके ओके प्रदीप।